सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कंधे गिरते हैं आमतौर पर किस लिए गिरते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। तो वो जो नेक डीप जाता है हमारा, तो उसके लिए हमें शोल्डर भी कम करना पड़ता है, तो आज मैं बताऊंगी आपको उसके ही बारे में। और उससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है, जैसा कि तीरा 7 इंच है, जो नॉर्मल तीरा आप नापोगे, किसी का 7.5 भी हो सकता है, किसी का 7 भी हो सकता है डबल से, किसी का 6.5 भी हो सकता है डबल से। तो ये जो मेजरमेंट है ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से बना के रखा हुआ है वैसे, तो ये 7 इंच का लिया हुआ है, सिंगल से 14 है, और ये जो ब्रेस्ट का निशान लगाया हुआ है ये 34 ब्रेस्ट का हमने 2 उसमें ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का भी हमें चौथा भाग यहाँ पे लेना है ब्रेस्ट के, तो ये 9 इंच मैंने लिया हुआ है। बाकी का मेजरमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने ऐसे ही अपने मन से लगाए हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ आर्म होल की इसकी, और जो शोल्डर का निशान है उसके लिए, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ उस वीडियो के बारे में, बस हमें ये 2 चीज़ों की ही ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। और ये 7 का जितना हमारा तीरा था उतना ही मैंने ये वाला निशान लगाया हुआ है, जो हमारा बैक पे आर्म होल बनता है, और ये भी 7 इंच ही रखा हुआ है मैंने। जितना हमारा ये 7 है उतना ही मैंने ये भी रखा हुआ है। जो फ्रंट का हम निशान लगाते हैं ये वाला, उससे आप 1.25 इंच कम ले लें, मतलब 1 इंच से थोड़ा इंच थोड़ा कम, 1 इंच से थोड़ा कम मैंने ये यहाँ से फ्रंट से इधर लगाया हुआ है। तो हमारी ये बैक लाइन इस वाली लाइन पे बनती है, ये आप देख रहे होंगे, और ये फ्रंट का इस पे बनता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका नेक, अगर आप बैक नेक का अगर 1 से 3 लेते हैं तो आपको शोल्डर में कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 0.5 इंच डाउन ही लेते हैं नॉर्मली, आपको भी पता होगा नॉर्मल लेते हैं 0.5 इंच डाउन। और तो हमें 1 से 3 इंच के बैक नेक में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा तीरे पे, ठीक है। और अगर आप डीप करते हैं, और जैसे कि मैंने ये 4 इंच ले लिया यहाँ पे, जैसे मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया, मतलब इसको 4 कर दिया, ये मेरा 3 इंच का था तो मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया इसको, तब आप इसका तीरा कितना रखेंगे वो देखना है आपको। तो ये मेरा 4 इंच हो गया, तो आप इसका तीरा जो 0.5 इंच से भी जो कम होता है, मैं आपको इंची टेप पे बताती हूँ कितना लोगे। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 इंच होता है फ्रेंड्स, और इसका जो बीच का मतलब कि इतना, तो आपको अब इतना कम कर देना है शोल्डर में से, ठीक है। तो ये हमारा इतना कम हो गया शोल्डर में से, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला निशान, निशान की गोलाई बनेगी, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको आराम से पता चल पाए। फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इसको कम करेंगे बट हम इस वाले निशान को कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊपर हमने 7 लिया था उसका ही हमने यहाँ पे 7 लिया है, तो इसको हम नहीं कम करेंगे तो हमारा निशान ऐसे जाएगा। ये वाला निशान हमारा ऐसे जाएगा, फ्रंट का फिर मैं आपको बाद में बता दी, बैक का बता रही हूँ। तो ये निशान हमारा थोड़ा सा इधर हो गया, तो इसकी गोलाई हम इस तरीके से लगाएंगे, और अब फ्रंट का भी यहीं से लेंगे हम। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ठीक है। अब आप जैसे आप ये लंबाई ले रहे हो, जैसे 5 आपको लेनी है, तो 5 में क्या करना पड़ेगा 5 का भी देख लेते हैं। 1 इंच और बढ़ाया हमने, 1 इंच हमारा और बैक का नेक डीप हो गया, मतलब कि 5 इंच। तो अब फिर हमें उतना ही कम करना पड़ेगा जितना हमने अभी कम किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उतना ही हम इसको कम कर देंगे, पर इसी निशान पे लगेगा, ये इसी निशान पे आएगा,
मैं इसको मिटा के ही आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। बाकी आप ये ध्यान रखना कि ये हमारा नहीं बदलेंगे, ये दो निशान, ये फ्रंट का है, ये बैक का है। हम जैसे इसको कम कर रहे हैं, इसको नहीं कम करेंगे, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सूट खिंच जाएगा। तो हम ऐसे ही इसको लेंगे, ये हमारा ये फ्रंट है और ये बैक है, उसी निशान पे। ये बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है। तो इतना हमारा तीरा कम हो गया। अब उसके बाद अगर आपको 6 चाहिए नेक, तो आप कितना तीरा रखेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर 1 इंच हम इसको बढ़ा लेंगे। तो ये बैक नेक हो गया 6 इंच। अब आपको कितना कम करना पड़ेगा इसमें, फिर आप उतना ही कम कर लें। आई होप के फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आए। अब मैंने तो वैसे मिटा दिया है, पर आपको ये वीडियो अगर आप देखना बार बार जैसे देख सकते हो, वैसे मैं मिटाती गई हूँ, पर अगर मैं नहीं मिटाती तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। बट अब ये इस पर मैंने कर लिया, ये 6 इंच का बनेगा और ये हमारा फ्रंट का है, तो इधर हमारा फ्रंट का निशान लग जाएगा। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने 36 के नाप से बनाया है, पर आप कोई भी नाप लोगे उसका इससे ब्रश से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका शोल्डर है तो बैक नेक बना रहे हो, तो आपका कोई भी नाप हो, जरूरी नहीं है कि मैंने इतना नाप लिया उसी में आप ऐसे करोगे। आपका कोई भी नाप हो उसमें आप ऐसे कर सकते हो। तो आप 7 नेक अब डीप पे जाओगे तो किस फिर हमें इतना ही कम करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से भी हमें उतना ही अंदाजे से ले लेती हूँ मैं, इतना तो अंदाजा लग ही जाता है फ्रेंड्स। तो अब और ये वाले हमारी बैक पे लगाना, सारे निशान इसी पे हैं, हमें ये चीज छोटी नहीं करनी है, हमें लगाने सब इसी पे हैं। तो इसी को मैं मिटा देती हूँ अभी, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ये इसकी हमारी लंबाई 7 इंच है, देखिए यहाँ पे हमारा 7 नेक है ये। अब हमारा ये वाला ये इतना मिट जाएगा और ये यहाँ पे मिल जाएगा, हमारा ये फ्रंट में मिल जाएगा, ये हमारा ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, ठीक है। अब उसी और ये तिरछा ही मैंने ले रखा है, तिरछे पे ही जा रहा है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। और फिर आप 8 नेक रखते हो, मतलब 8 बैक नेक रखते हो, तो उसको किस हिसाब से, उसको भी इसी तरीके से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो सूटों का 9 तक ही पहनते हैं, और 10 मैं आपको 10 तक बताऊंगी कि आप कितना रखें। तो ये हमारा 8 इंच, और इसको फिर से हम मिटा देंगे, और इसको फिर से हमें उतना ही कम करना है। इसको मिटा देती हूँ मैं, ये बैक नेक, ये फ्रंट नेक। ठीक है फ्रेंड्स, अब 9 का बनाएंगे हम। नाइन इंच उसका भी इसी तरीके से कम कर लेंगे, उतना ही लेके, और इसको मिटा देते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको 10 नेक का भी बता देती हूँ कि आप कितना करेंगे। इसको भी गोलाई दे देंगे और इसको भी हम इतना ही कम कर लेंगे अंदाजे से, इसको मिटा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है
डीप हमने नेक कितना लिया है 10 इंच तक, इतना हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 7 लिया था इसमें, तो कितना कम हुआ है। ये था हमारा आर्महोल का निशान इतना था, तो इतना कम होते होते यहाँ तक आ गया, तकरीबन हमारा 1.5 इंच तक कम हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप इतना डीप नेक पहनते हैं तो हमारा 1.5 इंच कम होगा। और 3 तक तो हमें कुछ भी बदलाव करने की शोल्डर में जरूरत ही नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे हमने ये कम किया है शोल्डर कम किया है हमने, और पर हमारा जो आर्महोल का ये लंबाई है उतनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ से ऐसे था हमारा, और ऐसे था हमारा बैक का नेक, आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापोगे तो कितना हो रहा है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो हमारा ये 8.5 है, बट आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापोगे तो देखिए कितना फर्क पड़ता है उस चीज़ से, तो ये 9 हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको भी 0.5 इंच ऊपर कम कर लें, मतलब कि नहीं तो आपका जो ये आर्म होल है ये बड़ा हो जाएगा, और आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो वहीं के वहीं रहेगी। अगर ये ढीला हो गया ये चीज, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी शोल्डर गिरने वाली, तो आपकी वहीं की वहीं। तो आप इसको भी अगर आप नेक डीप पहन रहे हैं तो आप इसको जैसे 9 इंच पहन रहे हैं या 8 इंच पहन रहे हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा कम कर लें, जैसे ये हमारा 7 था, तो आप इसको 0.5 इंच कम कर लें, 6.5 कर लिया है मैंने। अब इसको मिलाएंगे हम, जो हमारा शोल्डर पहले था उसके हिसाब से हमने बैक का लिया था, तो ये 7 था, तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको भी कम कर लिया है। और इसका मैं बता देती हूँ, पहले यहाँ पे थी ये वाली लाइन जो मैंने आर्म होल की कम की है, पहले यहाँ पे थी ये वाला। आप जब भी कम करना जब आप ज्यादा नेक डीप पहनते हैं, मतलब 8, 9 या 10 पहनते हैं ये तभी करना कम, वरना ये मत कम करना, यही वाली रहन देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, बस यही मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कई, तो कईयों के तो जवाब ऐसे होते हैं जिनका मैं लिख के जवाब दे देती हूँ, बट कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका मैं लिख के जवाब नहीं दे सकती हूँ, वो सिर्फ समझा के या दिखा के ही बता सकती हूँ फ्रेंड्स में। तो आप मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जैसे 4-5 अगर ऐसे कमेंट इकट्ठे होते हैं तो मैं उसका वीडियो बनाऊँ एक साथ, ताकि आपको तो फ़ायदा मिले उसका और दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।